आपके लिए लाया है सुनहरा मौका। जो लोग स्वराज टीपी यानी कि हैवलॉक आइलैंड में बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए लाया है 12 प्लॉट। यहाँ प्लॉट हैवलॉक आइलैंड के मार्केट से मात्र 2 किलोमीटर में है और NH पर है। अगर आप टूरिज्म से जुड़े किसी भी तरह के बिजनेस करना चाहते हैं तो यह आपके लिए सुनहरा मौका है। यह ज़मीन हैवलॉक के श्यामनगर गाँव में स्थित है। ज़्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नंबर है 9933-2542-42। नमस्कार न्यूज़ अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त हमारे साथ है धीरज जी। धीरज जी जो है जाने माने सोशल वर्कर हैं और वार्ड नंबर 23 से बिलोंग करते हैं। इनकी वाइफ जो है प्रेजेंट वार्ड नंबर 23 के काउंसलर हैं और LCT का मुद्दा लेकर इन्होंने काफ़ी बार हमसे जो है बात की और कल जहाँ तक हमें इसके बारे में जो है सूचना मिली, हमने सर से भी बात की, सर ने हमारे साथ एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें वहाँ के जई के साथ जो है सर कुछ बात कर रहे थे। इवन काफ़ी बस्ती वाले जो है परेशान हो गए थे क्योंकि काफ़ी इलाके में जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है कट होती है, कट होने के बाद जो है करीबन 4-5 घंटे के बाद आती है, लोग काफ़ी परेशान हैं और इसको लेकर जो है सर हमारे साथ कुछ बात रखेंगे और अपना वार्ड को लेकर, सिर्फ अपने ही वार्ड को लेकर नहीं, मैं आपको बता दूँ कि अंडमान निकोबार में हर जगह जो है इस तरह हालत है। लेकिन हर व्यक्ति से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी आइए, सामने आकर बात कीजिए। देखिए अगर आपके वहाँ पर होता है, सिर्फ आप लोग जो व्हाट्सएप में चैट करते हैं ये वगैरह, अगर आप लोग ये सब कर रहे हैं इससे कोई समाधान नहीं आएगा। आप लोग सामने आकर जो है बात कीजिए और सर के यहाँ पर क्या हुआ सर हमारे साथ शेयर करेंगे और बताएंगे कि इनके वार्ड की क्या समस्याएँ हैं। नमस्कार न्यूज़ अब तक की टीम को धन्यवाद जो हमारे माध्यम से अंडमान की जनता को आजकल जो इलेक्ट्रिसिटी का जो इशू है, आजकल नहीं है, बहुत काफ़ी सालों से है, जब हम लोग बहुत छोटे थे तभी से देख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का क्या हाल है अंडमान निकोबार में। लेकिन सर उस समय इतना नहीं था सर जितना अभी हो, मतलब अभी का जो हाल है सर इतना बेहाल नहीं था सर। अभी कुछ टाइम से जो पुराना इन लोग का जो अरेंजमेंट है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का, वही सेम चीज़ को लेकर के इन लोग आज भी चल रहे हैं। ना मैन पावर बढ़ रहा है, ना इनका ऑफिस जो वही एक ऑफिस है वही जो एरिया देखता था, जबकि डे बाई डे इनका पास में कंज्यूमर्स जो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स है वो बढ़ रहे हैं और वही सेम स्टाफ सेम एक ऑफिस, ना कोई ब्रांच, नया ब्रांच खुलना, ये सब नहीं खुलेगा तब तक का ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होना मुश्किल है। और सर घर घर आकर तो सर मीटर तो चेंज करवा लिए, पैसा तो जो हमारा जो पहले 500 हुआ करता था अभी वो 1500 से 2000 आ रहा है। बल्कि देखिए घर में एक दो सामान ही आपका बड़ा होगा और मोस्टली लोग सर मैं आपको बता दूँ इवन आपके वार्ड्स में भी काफ़ी लोग होंगे, काफ़ी लोग सर एक कॉमन मैन जो है इतना मतलब इन्वर्टर वगैरह जो है सर वो अफोर्ड नहीं कर सकता। सिंपल सी बात है, हर किसी घर में इन्वर्टर है ये जायज़ बात नहीं है सर। हाँ ये सही बात है, जिसके पास में जो अपना अरेंजमेंट कर रहा है वो थोड़ा सा मैनेज कर रहा है, अपना आप को संभाल रहा है कि कम से कम घर में AC नहीं तो फैन चला के ही बैठ रहा है। लेकिन जो गरीब लोग हैं जो ये सब अरेंज करना मुश्किल है, प्राइवेट वर्कर्स है, आज का टाइम में गर्मी इतना है और दिन के टाइम में सभी को पता है अंडमान में पहले का कंपेयर में अभी बहुत गर्मी बढ़ गया है तो बहुत मुश्किल है। छोटे बच्चों के लिए कितना परेशानी है, महिलाएं हैं, सभी को घर में काम करने में दिक्कत है, घर में रुकना मुश्किल है, दिन के टाइम में इतना गर्मी है। अभी रिसेंटली कई दिनों से हम लोग इस परेशानी को झेल रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का, जब देखो शटडाउन। अभी इशू क्या है कि हम लोग कल एक इशू हुआ था हमारा वार्ड में बडलाइन साइड ऑफिस में, जब हमारा एरिया का कुछ लोग कंप्लेंट किए साइट ऑफिस में जाके कंप्लेंट किए कि करंट का क्या है ऐसा है। सप्लाई नहीं है, 6 बजे से करंट नहीं है। ये भाई सुबह से तो 10 मिनट ट्रिप लिया वो फ्लट से आता वाला सप्लाई है ना, 10 बार का नहीं है। आप देखो हम लोग आते थे कल भी हम आता हम तो रोज आके बात करते कल भी तो लेटर दिया कल भी तो ना तो नहीं है अंदर तो बात करते नहीं है यही कर लेंगे कोई बात नहीं है सर। जो फैक्ट कल आए थे सर कल आके लेटर भी दिया ठीक है। कल सैटरडे है आज संडे है, कल सुबह हमें वो भी बोला कि ये जो बोलते हैं देखिए जो बोलते हैं पहले बोले कि ये वाला करना है कौन सा वाला, हम लोग का ठीक है काम बाकी
यहाँ में क्या है कि दो खंबा और चाहिए, 8 मीटर का खंबा नहीं है, ठीक है। अभी मैडम से हम लोग कल आके बोले कि गूगल धाम भी प्रॉब्लम है, वो लैंड हाँ लैंड दिया, ठीक है, उसका एक्सटेंशन दिया था, ठीक है, जो भी है। छह महीना से चलता है प्रोसेस, चिट्ठीबाजी चलता है, लेकिन क्या है डिपार्टमेंट का काम होने से रोड को उतरेगा जाने तो हम बोले अंदर का नहीं कैसे अब लोग साफ करते जा रहे तो मैडम काम है प्रोसेस को लेट हो गया। अभी हम लोग आप ठीक है आप लोग को कॉपरेट करते नहीं करते हैं, जो भी है प्रोसेस हो गया, जिसमें जाएगा मटेरियल काम अवेलेबल है वो सब को करना है या तो कोई कंसल्टेंट देना पड़ता है। दोबारा रीएक्सपेंड बल्कि चार्ज हो गया, चार महीना हो गया है। अभी देखिए ये लड़का हमने हम कब से बोलता है 40 साल 50 साल हो गया घर बना के, आज तक उसका घर के सामने करंट का खंभा नहीं है, शर्म का बात है कि नहीं है। अरे हम तो बोलता पिछले साल हमारे ट्राई कर रहा था, धरना कर रहा था, एक ही बात हुआ था, बर्मा नाला में एक साइट ऑफिस खोलेगा, कंप्लेंट सेल का जरूरत नहीं है, वहाँ पे साइट ऑफिस खोलना, वहाँ का आदमी वहाँ काम करो, यहाँ पे यहाँ का आदमी जब देखो तब यहाँ से आदमी रहता है बर्मा नाला चिड़िया रखो, यहाँ में फिर कब काम होता है, ये काम अच्छा इनको एक काम करना, कल आप लोग चारों जो बर्माला का प्रधान उनको मिला देता एक बार जाके वहाँ बोल दीजिए कि इसी से बोल दीजिए। ये तो लास्ट टाइम तो ये हुआ था आपका जॉइनर कंप्लेंट यही बात हुआ था, वो रिटर्न में भी दिया बर्मा नाला में एक साइड ऑफिस को जो प्रपोजल देगा हम लोग पावर को नहीं ना हम लोग जो है क्या नाम है पत्रगड्ढा में जो साइट ऑफिस का प्रपोजल हो गया सैक्शन हो गया है, 11 चम्मच अलग कर देगा पत्रगड्ढा को अलग कर देगा, हमें 14,000 से कंस्यूमर ज्यादा है, तो इनका ये जो है ना बर्मा नाला वाला जो केस है ना वो भी हम लोग रिकॉर्ड किया, मैडम का नॉलेज में है उसको भी करना है तो बोला है, ये वाला भी हमारा कर दिया, ये वाला कब होगा हम लोग का जो अभी महावीर नगर का प्रॉब्लम कंट्रोल होगा, ट्रांसफॉर्मर डाल दे लेकिन ट्रांसफॉर्मर का डाल तो उसका यूज होना है ना, वो सिर्फ नियर बाई एरियाज का ही सॉल्व हुआ, बाकी संतोष कॉलोनी में वोल्टेज का इशू है, महावीर नगर महावीर नगर छोड़ो यार अभी ना बहस करने से लंबा चलेगा मिनिमम आप मानेगा नहीं 26 कॉल्स के उसमें 10 कॉल लगा फोन अटेंड कोई नहीं किया, हम लोग को पता होना ना कब करंट आएगा जाएगा वो आप लोग इन्फॉर्मेशन ही नहीं पहुंचा था, मेरे को बताओ तुम लोग बोल नहीं है ना 10 साल से तो सर्विस नहीं होता है फिर कॉल क्यों नहीं है, फोन अटेंड नहीं करता भी 110 कॉल कौन सा अटेंड करना है कोई कॉल ही अटेंड नहीं करता बोले से कोई इंप्रूवमेंट नहीं है उस पे 4,500 रुपया करंट बिल आता मेरे ही घर का आप चेक करो करंट गया हम आगे यहाँ बोला भैया वो भी क्या ट्रिप होता है आता जाता है हम आज इनको उठाया उठा के बोला सर ऐसा सो होता है आपका स्टाफ क्या जवाब दिया हमारे इतना बिल्डिंग कौन बनाने बोला तुम लोग ये जवाब दिया आपका स्टाफ कौन बोला एक बैठा था बुड्ढा थोड़ा पाल पका पका रहे इतना बिल्डिंग कौन बनाने बोला तुम लोग पहले करंट लेने का टाइम आते आप लोग बोलते कि भाई मेरे को करंट चाहिए चलो ठीक है हर आदमी 20 लाख से 30 लाख रुपए जमीन लेके 1,40,000 रुपए में आता उसको हम रिफ्यूज नहीं कर सकता पहले हम लोग क्या करते हैं कि कनेक्टर लोड दो अपना कनेक्टर लोड 1 KVA का देता है 10 घर है तो हम लोग क्या करते 20 KVA या 50 KVA का लोड स्टैंड करने का सर करंट हम लोग केबल बिछाते जैसे आज अभी गोकुलधाम में भी वही इशू हो रहा है क्योंकि आदमी रियल ग्राउंड में बता रहे कि क्या कितना का ट्रांसफॉर्मर बैठाना ठीक है उसके बाद में क्या करते हम लोग केबल बिछा देते हैं वो क्या करता है ओवरलोड हो जाता है एक एक एम्प्स में
जो उसका स्टैंड करना है वो 50 एम्स का स्टैंड करना है तो 120 एम्स 70 एम्स का चले आता, फिर क्या करना है आपको मालूम होना चाहिए ना, क्या हम लोग बात सुनिए। लास्ट अभी जब धरना किया यही मैटर उठा था कि प्रोसेस में है, अरे 10 साल से प्रोसेस ठीक है, लास्ट धरना का बात है, क्या कुछ काम नहीं किया, क्या काम किया बताओ, क्या काम हुआ, आज भी वोल्टेज वही जगह में क्या इम्प्रूवमेंट है, आप चलो आप दिखाओ ना इम्प्रूवमेंट दिखाओ पब्लिक कर, ठीक है हम काम नहीं कह रहे भाई, अभी एक काम करना है, लिख के देने का बात ही नहीं है भैया, लिख के देने चेंज करने के लिए एक साल एक साल से हम घूमता भैया को बोलता कि नहीं बोलता भैया आप लोगों क्या हम लिखवाया अभी चेंज कर फेस चेंज करने के लिए खाली एक साल हो गया हम छोड़ दिया घूम घूम के छोड़ दिया सुबह से एक फेस में करंट है हम फोन करा तो बोलते पूरा शटडाउन है 10 बार शटडाउन है भाई देखो मेरे पास देखो मेरे पास कौन है 10 बार शटडाउन हम क्या करेंगे शटडाउन नहीं है भैया शटडाउन नहीं है एक फेस में लाइन चालू है एक फेस में लाइन चालू है हम लोग क्या आपसे ऐसे ही बोलेगा बात करेगा बताओ एंगल अरे यहाँ पे फोन अटेंड नहीं करता कोई कंप्लेंट पेपर में लिखने से नहीं होता भैया बंद करके चल जाओ बोलो फोन आपका हाथ में नहीं है नहीं उठाएगा तो कैसा रहेगा बता एक बार नहीं करता 10 बार नहीं करता 10 बार भी नहीं उठाएगा तो फोन छोड़ दो मतलब क्या बंद करके छोड़ दो खत्म करो सारा खत्म कर दो ना पूरा एरिया कट कर दो आप कोई प्रॉब्लम हम लोग हमेशा प्रोसेस में है या तो और कुछ प्रॉब्लम है तो पूरा दिन काट दीजिए पूरा कोई बात नहीं है अरे आप प्रॉपर बोलता ना ये निकला आप क्या इम्प्रूवमेंट है आज भी वही एक प्रॉब्लम पूरा दिन काट देंगे उसका सोल्यूशन निकालने आ रहा है जा रहा है क्या इशू है करके एक फेस में करंट है एक फेस में नहीं है तो वहाँ पे जो ड्यूटी में जो बैठा है उन्होंने क्या बोल रहा है कि शटडाउन है अरे भाई शटडाउन है तो पूरा का पूरा शटडाउन होगा एक फेस में सप्लाई ये तो पॉसिबल नहीं है ना एक फेस में सप्लाई एक में नहीं है आप आके चेक करो संडे है स्टाफ शॉर्टेज है आज नहीं है लेकिन क्या है एक एक घर में अभी मैं रिसेंटली आज सुबह ही एक लेडी फ़ोन करी 4 दिन से उसका घर में सप्लाई नहीं है संतोष कॉलोनी में है उमा नाम का लेडी है उनका घर में 4 दिन से सप्लाई नहीं है और इनका पास में स्टाफ का शॉर्टेज है इन लोग जाके अभी तक देखा नहीं तो देखिए आप 4 दिन एक घर में सप्लाई नहीं करेक्ट नहीं किया ये बहुत बड़ा इशू है इसको ये छोटा छोटा चीज़ नहीं है ये बहुत बड़ा चीज़ है शॉर्टेज है स्टाफ का शॉर्टेज है मैं कल जो जूनियर इंजीनियर है राजन बाबू से बात किया वो भी बोल रहा है कि मैं क्या करेगा मेरे पास में आप तो रोज़ आते आप मेनलैंड में भी रहते या कहीं भी रहते हर 2 दिन में मेरे को फ़ोन करते कि मेरा ये काम है ये काम वो एक्सेप्ट कर रहा है उनको मैं रेगुलर चिट्ठी भी हम लोग का तरफ से वार्ड काउंसलर की तरफ से चिट्ठी भी जाता है कि ये पेंडिंग वर्क है ये सब करना है कहीं पोल डालना है कुछ नया लाइन खींचना है वो एक्सेप्ट कर रहा है कि आप लोग रेगुलर टच में हैं लेकिन मैं क्या करेगा मेरे पास में स्टाफ का शॉर्टेज है मटेरियल्स का शॉर्टेज है पोल्स नहीं है वायर्स नहीं है इससे रिलेटेड कल मैं वहाँ पे हमारा गांव का कम से कम 30 से 40 लोग कुछ लड़के यंग एज का लड़के भी थे बुज़ुर्ग भी थे कुछ महिलाएं भी थे सभी लोग आए 30-40 लोग आए थे दिन का टाइम इतना गर्मी था और भी लोग आ रहे थे वहाँ का जो AE है शाहनवाज सर उनको भी बुलाया वो भी आया JEE भी स्पॉट में आया शाहनवाज सर AE है वो भी आया स्पॉट में इवन SC है माधुरी शुक्ला उनसे भी फ़ोन में बात किया उन्होंने भी यही बोला कि हमारा पास में स्टाफ का शॉर्टेज है मटेरियल का शॉर्टेज है हम लोग क्या कर सकते तो ये मैटर जाना है ऊपर पावर सेक्रेटरी तक जाना है चीफ सेक्रेटरी तक जाना है या फिर LG तक जाना है सर देखिए मैं आपको एक बात में रोकना चाहूँगा सर इतना सब कुछ हो रहा है एक इतना बड़ा डिपार्टमेंट को लेकर और क्या आपको लगता है सर ये बात एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं पता होगी क्योंकि सर देखिए हर डिपार्टमेंट के लिए ये चीज़ आपको अच्छे से पता है सर हर डिपार्टमेंट के लिए फंड आता है ठीक है आप ये बताइए यहाँ पर जो है जैसा अभी आप ये कह रहे हैं मैन पावर कम है ठीक है
तो आदमी कम है सर, तो ये लोग ले क्यों नहीं रहे आदमी काम में? और देखिए, इनका पास इक्विपमेंट्स नहीं है या काम करने के लिए, जैसा अभी आप कह रहे हैं कि एक एक सामान ये कुछ भी नहीं है, लेकिन इससे हम आम आदमी आखिर करे तो करे क्या? हम तो सर बराबर अपना जो भी बिल आ रहे हैं हम लोग पे कर रहे हैं, और इसके बावजूद भी सर ये लोग जो है ऐसा बोल रहे हैं हमें कि नहीं है। तो आप एक बात बताइए ना, आप अपने वार्ड के लोगों को आखिर आप बताएं तो बताएं क्या? हाँ, ये जो आप बोल रहे हैं इसका बारे में प्रॉपर जानकारी हम लोग को निकालना पड़ेगा कि कितना स्टाफ है, क्या है, ये सब चीज़ मेरे ख्याल से अभी हम लोग को RTI का एक सहारा लेना पड़ेगा कि पावर के लिए इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को ईयरली वाइज कितना फंड मिला है और कहाँ कहाँ इन लोग उसको यूटिलाइज किया है, कैसे किस कौन सा सेक्टर में और क्या कर रहा है, क्या अरेंजमेंट कर रहा है, क्या इनका प्लान्स है, ये सब अभी हम लोग RTI डाल करके निकालना पड़ेगा, यही मैं प्लान कर रहा था। और दूसरा चीज़ क्या है, इशू क्या है हमारा, मैं जस्ट एक छोटा सा बात यह है कि हमारा एरिया में अभी जो बडलेन साइट ऑफिस है ये करीब करीब ये साइट ऑफिस बन के 20-25 साल या 30 साल हो गए शायद बन के, तो इसका एरिया है चिड़िया टापू, काला पहाड़, मक्का पहाड़, न्यू बिम्बल्टन और ब्रिजगंज, ब्रुक्साबाद, ये बहुत बड़ा एरिया है जो इन लोग मेंटेन करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, ये इतना बड़ा एरिया है इसको मेंटेन करना मुश्किल है। पहले पत्थरगट्टा एक साइड ऑफिस था, उसके बाद में बडलेन साइड ऑफिस बना, बडलेन साइड ऑफिस बन के करीब करीब 30 साल का आसपास हो गया, और अभी ज़रूरत है, हम लोग करीब डेढ़ साल पहले एक चीफ सेक्रेटरी साहब को एक लेटर लिखा था जिसमें कि हमारा वार्ड का काउंसलर राधिका जी और कलीगढ़ का जो प्रधान एगम्बरम जी और बिडनाबाद पंचायत का प्रधान परमाशिवम जी और वार्ड नंबर 22 का काउंसलर राजेश राम जी, ये सभी लोग मिल करके एक प्रोटेस्ट किया था, धरना किए थे, रोड सब ब्लॉक किया था, आपको आपने भी ये कवर किया था। उस समय ये डिमांड रखे थे हम लोग कि बिडनाबाद एरिया में एक साइट ऑफिस खुले, जो कि वो एरिया यहाँ से काफ़ी बडलाइन साइट ऑफिस से काफ़ी दूर है, 10-12 किलोमीटर का 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो यहाँ से जब स्टाफ जाता है वहाँ पे कवर करने के लिए तो यहाँ लोकल जो नियर बाई साइट ऑफिस जो एरियाज है यहाँ के लोग परेशान हो जाते हैं, यहाँ पे कुछ कंप्लेंट मिल, जैसा मैं अभी आपको शुरुआत में बताया, एक लेडी है उमा नाम का, संतोष कॉलोनी में घर है, 4 दिन से उसका घर में करंट नहीं है। अब इनको यहाँ साइट ऑफिस में जब भी पूछो इन लोग बोलते हैं कि फॉल्ट है बर्मा नाला में, फॉल्ट है चिड़िया टापू में, कहीं मक्का पहाड़ में, न्यू बिम्बल्टन में, तो ये जब भी इनका मूवमेंट रहता है लॉन्ग डिस्टेंस एरिया को कवर करने के लिए, तो अगर सिर्फ लॉन्ग डिस्टेंस एरिया को कवर करेंगे तो हमारा ये नियर बाई जो रेसिडेंट्स है इन लोग क्या करेंगे? तो मैं अभी इसका ऊपर में हम लोग ये अभी कर रहे हैं कि एक दोबारा से एक लेटर बनाएंगे चीफ सेक्रेटरी साहब को और एक अलग से एक साइट ऑफिस खोलने के लिए हम लोग अपना रिक्वेस्ट करेंगे। और अभी कल का जो इशू था, AE साहब आए शानवास सर, और JE राजन बाबू था, और पहाड़गांव थाना का SHO वो भी आ गए थे स्पॉट में, उन लोग भी आ गए थे, पुलिस का टीम भी आ गया था। तो कल JE राजन बाबू का तरफ से ये एश्योरेंस दिया गया कि 10 तारीख तक का हमारा एरिया में कुछ एरिया में जो वोल्टेज का इश्यूज है और कुछ ट्रांसफार्मर लगना है एक दो जगह में, गोकुलधाम कॉलोनी में और महावीर नगर में कुछ इश्यूज है वोल्टेज का, ये सबको 10 तारीख तक का कोशिश करेंगे फटाफट सॉल्व करेंगे करके उन्होंने एश्योर किया है। और हम लोग भी बोले ठीक है, एक दो दिन आगे पीछे होता है, 10 तारीख बोले से एक्यूरेट 10 तारीख नहीं होता, एक दो दिन आगे पीछे होता है अभी तो। और हम लोग की तरफ से क्या सपोर्ट है, कहीं ट्री कटिंग है कुछ है, हमारा लास्ट टाइम भी हम लोग अपना बस्ती का लोग लड़का लोग आगे करके दिए, और कल का प्रोटेस्ट में जो हम लोग को जो हेल्प किया हमारा लड़का लोग है, बहुत सारा जो फ्रेंड्स है उसमें हम लोग आनंद मोहन है, चंदन है, और ये राहुल अधिकारी है, और ऐसा बहुत सारा लड़का लोग है हम लोग बस्ती का, जगदीश है, सपोर्टर्स है, इन लोग सभी आए, बड़े लोग भी आए, सभी लोग आए आके वहाँ पे खड़ा होकर के प्रोटेस्ट किया इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का। सभी का ये कहना था कि एक काम करते इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का गेट को लॉक कर देते, ये सभी का डिमांड था। इनका सर्विस से हम लोग खुश नहीं है, एक एक आदमी का करंट बिल आता है 4,000-5,000 छोटा छोटा घर में ऐसा बिल आ रहा है, तो पे तो कर रहे हैं सब बट सर्विस नहीं मिल रहा, इससे हताशा बढ़ रहा है पब्लिक के बीच में, सभी परेशान है कि क्या करें, इसका सॉल्यूशन क्यों नहीं निकल रहा है। अब ये हम लोग आगे बात करेंगे, चीफ सेक्रेटरी साहब हो या LG साहब हो,
इससे भी इसका ऊपर में हम लोग आगे बात करेंगे 10 तारीख के बाद में, इसके ऊपर में बड़े तौर पर हम लोग कुछ करने का प्लान कर रहे हैं। सर देखिए, जैसा आपने जई का बात की, तो जई जो है एक साइट ऑफिस का इंचार्ज है, और जैसा आप कह रहे थे कि काफ़ी बार जो है आपने उनके साथ जो है बात की, तो हर चीज़ में उन्होंने आपका साथ दिया था सर। हाँ जी, तो सर कहीं ना कहीं देखकर ये भी लग रहा है कि देखिए कहीं ना कहीं वहाँ पर स्टाफ की जो है शॉर्टेज है, और ये चीज़ सिर्फ आज निकल के सामने नहीं है, इससे पहले भी काफ़ी लोग ने हमसे ऑफ कैमरा ही भी ये चीज़ बताया है कि साइट ऑफिस वगैरह में जो है स्टाफ की काफ़ी शॉर्टेज है। इवन सिर्फ साइट ऑफिस नहीं, जैसा आपने डिपार्टमेंट का नाम लिया ना, काफ़ी, और सिर्फ एक डिपार्टमेंट नहीं है, काफ़ी डिपार्टमेंट में ये चीज़ सर है, और अभी जो है खुल कर ये चीज़ निकल कर सामने आ रही है, और काफ़ी लोगों को ये चीज़ पक्ष के बारे में जो है काफ़ी लोगों को पता चल रहा है। तो सर कहीं ना कहीं इसमें जो है डिपार्टमेंट की गलती है सर, डिपार्टमेंट की गलती की वजह से जो है हम आम लोग, अंडमान निकोबार के जो आम लोग हैं, कहीं ना कहीं जो है वो इसमें पिस रहे हैं। देखिए बात ऐसा है कि हम लोग तो सोशल वर्कर है, पॉलिटिकल फील्ड से है, हम लोग हमारा काम है, हम लोग जूनियर इंजीनियर है, असिस्टेंट इंजीनियर है और एससी है, इन लोग से बात करेंगे। ये जो ऑफिसर्स है इनका काम है, आईएएस ऑफिसर जो बैठा है, पावर सेक्रेटरी या और कोई है जो भी है, ये उनको समझाना है कि ये इशूज़ है। सही बात बोले तो जो वीआईपी एरिया है, वीआईपी जोन है, बाज़ार का अंदर में, राजनिवास का आसपास में जितना सेक्रेटरीज़ का जो एरिया है, वहाँ पे कभी पावर जाता नहीं है, इनको कभी पावर का इश्यूज़ नहीं होता, तो ये आम आदमी का दुख तकलीफ समझेंगे नहीं, और ये तकलीफ समझाने का काम है तो हमारा जो सरकारी अफसर है ये उनको समझाना है कि सर इस तरह इश्यूज़ है। जब तक वो समझेंगे नहीं तो उन लोगों का तरफ से कोई स्टेप कैसे उन लोग बढ़ाएंगे, ये एक चीज़ है। हमारा एक टीम बनाना चाहिए मेरे ख्याल से, जो कि ये इसको फॉलो अप करे, और ये कैसे कहाँ का, ये सिर्फ हमारा वार्ड का इशू नहीं, ये पूरा पोर्ट ब्लेयर सिटी का ये हाल है। हार्डली 1.5 लाख तो नहीं, 3-4 लाख जो है काउंटेड पॉपुलेशन है पोर्ट ब्लेयर सिटी में, और अनकाउंटेड और भी है, बहुत सारा प्रवासी मजदूर और अनकाउंटेड बहुत सारा लोग है, करीब करीब होगा एक 8 लाख का करीब पॉपुलेशन होगा पोर्ट ब्लेयर में, तो ये सिर्फ एक बहुत 8 लाख तो बहुत छोटा है, मेनलैंड में इससे बड़ा जगह है, कैलकुलेटेड पॉपुलेशन करीब 6 लाख का करीब का पॉपुलेशन है, इसमें अनकाउंटेड भी बहुत है, जो प्रवासी मजदूर बहुत सारे लोग हैं जो मेनलैंड से यहाँ आते हैं काम करने के लिए, रुके हैं मजदूर से लेके कई सारा जो टेक्निकल फील्ड वाले भी है, बहुत सारे लोग हैं जो आज अंडमान में काम की तलाश में आते हैं, ये भी एक तरह का मिनी दुबई या मिनी सिंगापुर जैसा है, जो है काउंट नहीं किया गया है। हाँ, उनका काउंट नहीं है यहाँ पे अंडमान में, और लास्ट सेंसस भी होकर के काफ़ी टाइम हो गया, तो अभी तक वो भी नहीं हुआ जिससे कि एक्चुअल हम लोग के सामने फिगर आए। तो ये रिक्वेस्ट है हमारा, जो सरकारी अफसर लोग से रिक्वेस्ट है कि एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाए, और उन लोग अपना जो आईएएस जो सेक्रेटरी पावर है या जो भी है इसका इंचार्ज, उनको अच्छा से जानकारी दे कि ये इश्यूज है हम लोग फेस कर रहा है, क्योंकि पब्लिक बहुत 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 बोलने से मैं बता नहीं सकता इतना परेशान है करके। सर हमारे जो जनतंत्र है उसको कोई देखना चाहेंगे इस विषय को लेकर, क्योंकि देखिए जनता काफ़ी परेशान है। सर जनता परेशान है, मैं खुद भी जनता से भी अपील करूंगा, हमारे वार्ड में जैसा हमारा एरिया में भ्रातरापुर बडलेन एरिया में हम लोग का जो वार्ड है वार्ड नंबर 23, वहाँ पे पब्लिक का बहुत भारी सपोर्ट है, अगर हम लोग एक जरा सा भी आवाज़ उठाते हैं पूरा पब्लिक हम लोग के पीछे आके खड़ा हो जाता है। तो इसी तरह मैं चाहता हूँ कि ये पूरा अंडमान में ये हालत है, आज पोर्ट ब्लेयर सिटी का जो ये हालत है, बाकी सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये इसके लिए हम लोग रोड में उतरना पड़ेगा। ये इलेक्ट्रिसिटी का इशू काफ़ी टाइम से, बीच में हमारा जो एरिया में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हुआ था उस टाइम हम लोग जो हमारे जूनियर इंजीनियर साहब है उनको हम लोग कुछ गिफ्ट भी किए, अप्रिशिएट भी किए कि काम कर रहा है करके, लेकिन क्या करें उसका लिमिट में तो है नहीं। तो इसीलिए मैं पोर्ट ब्लेयर का जनता से अपील करूंगा कि आप लोग भी इसका ऊपर में थोड़ा सा ये करिए, हम लोग सिर्फ व्हाट्सएप में मैसेज छोड़ देंगे उससे कुछ होगा नहीं, रोड में उतरना पड़ेगा, हमको कुछ चाहिए तो रोड में उतर के ही हासिल करना पड़ेगा। ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अपना एरिया का जो वार्ड काउंसलर है उनसे संपर्क कीजिए, और उनके साथ में रोड में उतर करके इसका ऊपर में हम लोग चर्चा करना पड़ेगा, और जहाँ जाना है जिससे भी मिलने जाना है तो उनका साथ दीजिए, तभी जाके ये सब प्रॉब्लम सॉल्व होगा।
धन्यवाद सर। और आपका मतलब ये कहना है कि सर देखिए काफ़ी दिन हो चुका है, अभी जो है आराम से मतलब अगर हम घर में बैठे रहे तो कुछ समाधान नहीं होगा। मैं सही घर में बैठे रहेंगे, कोई करेगा कोई नहीं करेगा, हम लोग को मिलके करना पड़ेगा। तो इसीलिए रिक्वेस्ट है आप सबसे अपना अपना एरिया का जो वार्ड काउंसलर है उनका साथ दीजिए और इसके लिए हम लोग मिल करके फाइट करना पड़ेगा। ज़रूरी है इलेक्ट्रिसिटी आज कल डेट में बहुत ज़रूरी है, घर में छोटा से छोटा काम हो, बच्चों का पढ़ाई हो, सब कुछ है, इलेक्ट्रिसिटी एक पार्ट ऑफ लाइफ है हम लोग का, बहुत ज़रूरी चीज़ है। धन्यवाद सर। और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं तो उनसे भी हमें गुजारिश करेंगे कि आप लोग भी जो है अपना वार्ड काउंसलर्स या अपना प्रधान है उनसे आप जो है इसके बारे में बात करें, क्योंकि ये हाल जो है सिर्फ हमारे पोर्डर एरिया का नहीं है। मैं आपको बता दूं आप कहीं भी जाए अंडमान निकोबार में सारा जगह लोग जो है यही फेस कर रहे हैं, लेकिन कुछ जगह जो है थोड़ा ज़्यादा कुछ जगह थोड़ा कम, लेकिन फेस जो है हर कोई कर रहा है। तो इसको लेकर जो है अगर हमारे घर का होम अप्लाइंसेस अगर ख़राब होता है तो देखिए इसके लिए कोई हमें पैसे नहीं देगा, सबसे पहला बात हम खरीदते हैं अपने पैसे से, और अगर ख़राब भी होता है तो इसका भुगतान भी हमें ही करना पड़ेगा, कोई नहीं करेगा मैं आपको बता दूं। तो इन सब चीज़ों को लेकर जो है अब अंडमान निकोबार के लोग जो है समझना शुरू हो गए हैं, क्योंकि पहले लोग जो है सिर्फ एक का बात सुन के ही जो है सीमित रहते थे, लेकिन अब लोग जो है आवाज़ उठा रहे हैं और आवाज़ उठाना ही पड़ेगा क्योंकि ऐसा हाल हो चुका है। तो काफ़ी वार्ड काउंसलर से हमें इस विषय को लेकर हमने बात की, इवन एमपी कैंडिडेट से लेकर भी इस विषय को लेकर हमने बात की, सोशल वर्कर से लेकर हमने इस विषय में बात की। तो सबका एक ही कहना है कि देखिए अभी जो हालत जो है ये सिर्फ इस समय के लिए जो है नहीं रहेगा। मैं आपको बता दूँ धूपकाल की अभी सिर्फ शुरुआत हुई है, आगे तो और बहुत कुछ देखना है। ये तो सिर्फ ये साल का हो चुका है 2024, 2025, 2026, आगे और बहुत बाकी, आगे क्या होगा वो किसी को नहीं पता। तो जितना हो सकेगा एकता बनाए रखिए, और जैसा सर ने कहा है कि सर के वार्ड के तरफ से जो है सर ने तो ये चीज़ ठान ली है कि एक टाइमिंग दी है, टाइमिंग के बाद जो है जो कुछ होगा वो जो है अंडमान निकोबार की जनता देखेगी। और इससे पहले भी काफ़ी कुछ हुआ है और हमने न्यूज़ आप तक के द्वारा जो है फिर एंड फेयर हमने कवर भी किया। तो हम हमेशा कहते हैं कि जनता का हम साथ देते हैं, इवन एडमिनिस्ट्रेशन का भी साथ देते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को भी प्लीज़ इसमें देखना चाहिए। काफ़ी लोगों को पता है कि ऐसा सब हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आखिर कमी है किस में। देखिए सर ने भी बात कही है कि डिपार्टमेंट के थ्रू ये पता चला है कि जो है मैन पावर की कमी है और इक्विपमेंट्स की कमी है। तो इससे पहले भी मैं कह चुका हूँ मैन पावर की कमी है, इक्विपमेंट्स की कमी है, तो इससे आम जनता आखिर करे तो करे क्या। देखिए उनके घर में तो बराबर बिल आ रहा है, जो पहले 500 आ रहा था बड़ी मुश्किल से, वो अभी जो है 2500 आ रहा है, 1500 या 2500। देखिए रेट तो बढ़ रहा है लेकिन आम जनता बेहाल है। तो इस तरह के लोग जितने भी वार्ड काउंसलर्स हैं इन सबको हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि इन्होंने अपना कीमती समय निकाला, न्यूज़ आप तक से बात की, इवन काफ़ी लोगों ने हमसे इसके बारे में बात की। तो सबको हम न्यूज़ आप तक की तरफ से धन्यवाद देना चाहेंगे ताकि मैसेज एक जनता तक पहुँचा रहे, इवन अपने वार्ड के लिए या अंडमान निकोबार के लोगों के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी इन्हें जो है सपोर्ट करें। कहीं ना कहीं जितने भी वार्ड काउंसलर्स हैं इवन प्रधान से, उन सबसे हमें ये चीज़ हम कहना चाहेंगे कि जिके आप सब जो है एकता बनाए रखें, और एकता बनाए रखने में ही जो है इसमें कुछ हो सकेगा। तो प्लीज़ जो है आप लोग अगर कुछ भी स्टेप अगर लेते रहते हैं, अगर आपकी तरफ से कुछ भी न्यूज़ हो तो आप हमें कांटेक्ट करें, हमारे चैनल में जो है नंबर नीचे स्क्रॉल हो रहा रहेगा, आप लोग हमें कांटेक्ट करें, हम लोग आएंगे और आपके वहाँ के हो सकेगा हम लोग जो है न्यूज़ को दिखाएंगे। तो जैसा सर से हमने बात की, सर ने जो है कुछ समय मांगा है, तो उस समय के अंदर अगर ठीक हो जाए तो ठीक है, वरना सर ने ये कहा है कि वहाँ पर जो धन ऑपरेशन होगी। सर ने कुछ वीडियो हमारे साथ शेयर किए, वो भी हम आपको दिखाएंगे, देखिए और आप लोग कमेंट्स करके बताएं। और जितने भी लोग हैं मुझसे यही कह रहे हैं कि अगर आपके यहाँ पे भी ऐसा कुछ होता है तो आप लोग हमारे साथ संपर्क करें, न्यूज़ हम लोग बनाएंगे और दिखाएंगे। ठीक है, हमारी तरफ से हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोग ज़रूर करेंगे। बने रहे हमारे साथ, देखते हैं न्यूज़ आप तक। मैं रोहित, कैमरा विजय के साथ, धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।